उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम जारी कर दिया है। हमीरपुर में भी जिला परिषद के 18 वार्डों, 6 पंचायत समितियों के कुल 125 वार्ड सदस्य और सभी 248 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान तथा कुल 1436 पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव 3 चरणों में 17 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को होंगे। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 4 जनवरी को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच आरंभ होगी। 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने की अवधि समाप्त होते ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे। 31 दिसंबर तक या इससे पहले मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। देवश्वेता बनिक ने बताया कि जिला हमीरपुर में 3,62,407 मतदाता हैं। इनमें 1,76,882 पुरुष और 1,85,521 महिला मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी तक लगभग 350 नए मतदाताओं के नाम पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रार्थियों के प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। नियमानुसार निश्चित समय अवधि तक प्राप्त आवेदकों के नाम भी पंजीकृत कर दिए जाएंगे। हमारे पूरे प्रदेश में जो है और हमीरपुर जिला में भी पंचायती राज चुनावों का जो इलेक्शन घोषित हो चुके हैं, इसमें 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में जो सभी पंचायतें, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव जो हैं वो संपन्न होंगे। इसमें हमीरपुर जिला में जिला परिषद के 18 वार्ड, 6 पंचायत समितियों के कुल 125 वार्ड सदस्य तथा 248 जो है ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान तथा कुल 1,436 पंचायत वार्ड सदस्यों के जो है 3 चरणों में चुनाव होंगे। 31 दिसंबर तक जो है नामांकन पत्र भरने का समय उद्घोषित किया गया है। इसी के साथ साथ हमारे जिला हमीरपुर में अब तक 3,62,407 मतदाता जो हैं ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं और समय अवधि के दौरान जो है कुछ भी और छूटे हुए मतदाता जो आ रहे हैं अभी भी, उनका जो नाम भी शामिल कर दिया जाएगा। जिला हमीरपुर में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और लगभग संपन्न हैं। सभी SDMs जो हैं उनको पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनावों तथा जिला परिषद के चुनाव, वार्ड सदस्यों के चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जितने तहसीलदार हैं हमारे, उनको पंचायत समिति के चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर घोषित कर दिया गया है और वो अपने अलावा और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स वो नियुक्त करने के लिए उनको ऑथराइज कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे जितने चुनाव सामग्री और बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी चले हुए हैं और वो निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस चरण में आयोजन होंगे वो उसी तरह से जो है पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ साथ जो है वो संपन्न किए जाएंगे।